Sponsored by Shri Nataraj Oils, Pure Edible Oils. गोली कांड का खुलासा। कोतवाली विकास नगर अंतर्गत जीवनगढ़ गांव में डेयरी संचालक 30 वर्षीय युवक पंकज को गोली मारकर फरार हुई हमलावरों को आखिरकार कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। साथ ही हमलावरों से घटना में प्रयुक्त तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। मामले का खुलासा करते हुए SP देहात देहरादून स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया, जीवनगढ़ क्षेत्र में दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड को गंभीरता से लेते हुए नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों और सर्विलांस के जरिए क्षेत्र से भागने की फिराक में तैयार तीनों हमलावरों को आदुवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी रोहित की निशानदेही पर पास के एक आम के बाग से तमंचा भी बरामद किया। उसके चलते आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। नवभारत समाचार विकास नगर से महेंद्र तोमर की रिपोर्ट। एक घटना घटित हुई थी जिसमें विक्टिम है पंकज, उनको गोली मारी गई थी। उसमें तुरंत पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने सबसे पहला कार्य किया कि ये जो तीनों मुलजिम हैं उनको आइडेंटिफाई किया कि किसने ये घटना को कारित किया है। उसके बाद हमारी टीम लगातार CCTV फुटेज और अन्य स्रोतों से मालूमात करते हुए इनके पीछे लगी हुई थी और इनको फिर गिरफ्तार करने में सफलता में मिली। तीनों अभियुक्तों का नाम रोहित है और दो शुभम नाम के लड़के हैं, एक शुभम शर्मा और एक शुभम चौहान। तीनों नशे के आदी हैं और नशा प्राप्त करने के लिए ही इन्होंने पंकज के ऊपर फायर किया था। पंकज का भाई अमित है जिसको पुलिस जुलाई में जेल भेजी थी स्मैक के साथ। तो पंकज का भाई स्मैक बेचता था जो इन लोगों का साथी था। उसी सिलसिले में ये इनको लगा कि पंकज का पंकज के पास इसके भाई का स्मैक कुछ होगा, तो वो बार बार उससे कह रहे थे कि वो नशा मुझे दिया जाए, जिसको वो डिनाई कर रहा था कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए गुस्से में आके उन्होंने इनके ये आपराधिक किस्म के लोग हैं। इसके पूर्व में भी ये सैया में PWD ऑफिस में अधिशासी अभियंता के कुछ तमंचा दिखाए थे जिससे कि टेंडर को प्रभावित कर सकें। उस सिलसिले में पटवारी क्षेत्र में इनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया जिसकी विवेचना वहाँ पे की जा रही है।